हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप चार एग्जाम विशेष मध्य प्रदेश समान एग्जाम पार्ट वन लेकर आया हूं। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो व्यापम ओल्ड क्वेश्चन पर आधारित हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर है अमरकंटक से। नदी अमरकंटक से निकलती है, नोपरी जिले में आता है। इसके अलावा सोन नदी भी यहीं से निकलती है। और नर्मदा नदी का प्राचीन नाम जो है वो रेवा है, ये याद रखने योग्य बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जबलपुर कौन सा महत्वपूर्ण किला स्थित है? उत्तर है मदन किला। यह किला मदन सिंह द्वारा 11वीं शताब्दी द्वारा बनवाया गया था। यह रानी दुर्गावती से भी संबंधित है, जो कि जबलपुर से दो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। पर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महेश्वर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। महेश्वर खरगोन जिले के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दमोह जिले के कुंडलपुर तीर्थयात्रा केंद्र किस विशेष संप्रदाय से है? इसका उत्तर है जैन धर्म से। यह एक सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। श्रीधर केवली मोक्ष गए थे यहाँ, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दुग्धधारा प्रपात कहाँ स्थित है? उत्तर है अनूपपुर में। दुग्धधारा प्रपात अनूपपुर जिले में स्थित है। अनूपपुर एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के अंदर से 2 नदियाँ निकलती हैं, जो कि क्रमशः नर्मदा एवं सोन हैं। नर्मदा नदी भारत की पश्चिमी बड़ी नदी मानी जाती है एवं पवित्र नदी मानी जाती है। नर्मदा नदी का उल्लेख जो है प्राचीन वेदों में भी मिलता है। इसके अलावा नर्मदा नदी कपिल धारा प्रपात भी है और सोन नदी भी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। अतः कई बार व्यापम एग्जाम में सोन नदी और नर्मदा नदी से कई क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो क्वेश्चन आज हमने बताए हैं ये पूरे व्यापम एग्जाम में आ चुके हैं। अतः आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा से लोग लाभान्वित हो सकें। और मैं अगले वीडियो में और ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा, ताकि आपको मदद मिले और ये जो ग्रुप 4 एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। खासकर मध्य प्रदेश से संबंधित पूरे क्वेश्चन मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ दोस्तों, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और पूरी कोशिश रहेगी कि MP के GK मैं कवर कर पाऊँ। तो धन्यवाद। आप आज बस इतना ही। आगे के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।